गाजीपुर में ठेकेदार अपने मन के हो गए हैं और प्रशासन उसकी तो पूछे ही मत। बारिश का ऐसा सुहाना मौसम हुआ है कि चादर ताने कहीं सो रहा है। ऐसे में नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि लबालब भरकर नाली जब सड़क पर बहने लगेगी तो आपको ही सफाई के लिए उतरना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है भदौरा बाजार में हालिया बनाई गई सीसी सड़क पर। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने सीसी सड़क बनाने में लापरवाही की। नाली के समुचित निकासी नहीं होने के कारण अब दुकानों में पानी जा रहा है। अब परेशान दुकानदारों को बारिश में भीग कर और धंधा छोड़कर सफाई के काम में जुटना पड़ रहा है। जमनिया विधायक सुनीता सिंह द्वारा विधायक निधि से भदौरा बाजार में सीसी सड़क निर्माण कार्य कराया गया था। सीसी सड़क के किनारे दोनों तरफ नाली निर्माण की बात भी की गई थी। लोगों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था के ठेकेदार द्वारा केवल एक तरफ आधी अधूरी नाली बनाकर छोड़ दी गई। आइए यहीं के एक परेशान शख्स से इस पूरी कहानी को सुनते हैं। ऐसी बात है कि हम लोगों का जो रोड ढैया हो गया बाजार का और इससे पानी की निकासी कहीं नहीं हुआ, इसलिए सारा नाली जाम होकर के और सब्जी हम लोगों की मंडी में दुकान है और सारे दुकान में पानी जा रहा है, इसलिए हम लोग नाली को साफ कर रहे हैं अपने हाथों से। ठेकेदार नहीं सुन रहा है, सूचना दी गई है लेकिन ठेकेदार नहीं है यहाँ पे और दुकान में पानी चला गया है। कम से कम 10-12 लोग प्रभावित हुए हैं, 10-12 लोग के दुकानों में पानी चली गई है। सोमवार को घंटों जमकर हुई बारिश के बाद नालियों का पानी सब्जी मंडी की दुकानों में पहुंचने लगा। दुकानदारों ने बताया कि जब इसकी शिकायत ठेकेदार से की तो उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इस पर दुकानदारों ने खुद ही बारिश के बीच नालियों का निकासी के लिए नाली के ऊपर रखे सीमेंटेड स्लैब को हटाते हुए साफ सफाई की, तब जाकर किसी तरह पानी की निकासी शुरू हुई। लोगों ने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराते हुए संबंधित कार्य की जांच कराने और इसका समाधान कराने की मांग की है। इस मौके पर अशोक कुशवाहा, रामनिवास सिंह, जवाहर अमित, शनि गुप्ता, घुरहू रुस्तम आदि ने श्रमदान किया। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।